अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम अपने चैनल बेसिक नॉलेज में हाजिर हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे कि हम अपनी फाइल जो हमारी शीट्स हैं, हम अगर हम ये क्रिएट करते हैं तो उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। हम अगर पूरी शीट को प्रोटेक्ट करना चाहें, वर्ड बुक को प्रोटेक्ट करना चाहें, इसका कोई पासवर्ड देना चाहें, कोई भी हमारा कोड पासवर्ड हो 1234 या कोई सीक्रेट कोड हो जो कि ऑफिस में यूज़ हुआ जाए, वो पासवर्ड हम देना चाहें कि ऑफिस से बाहर ये फाइल कहीं ना खुल सके, तो किसी भी किस्म का हम इसको पासवर्ड दे सकते हैं। ये किस तरह देंगे, या रीड ओनली फाइल अगर हमें क्रिएट करानी है कि एडिट नहीं हो सकेगी फाइल, या अगर हम ऐसे करना चाहेंगे हम फाइल में से रिमूव कैसे कर सकेंगे पासवर्ड, तो ये चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, हम शीट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास शीट है, अभी हम इसको अगर एडिट करना चाहें, मैं ये इनकी सैलरी है, ये एम्प्लॉय आई डी 112 की सैलरी है $12,000, मैं इसको कर दूँ $22,000। अब ये कोई भी किसी तरह से चेंज कर सकता है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके पहले तो इसको वापस 12,000 ही कर, $12,000 ही। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे रिव्यू में, रिव्यू के टैब में जाके यहाँ प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन है, ये बिल्कुल यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, मैं पासवर्ड डाल दूँ इसको, अब मैं यहाँ पासवर्ड डाल रहा हूँ 1234, अब ये प्रोटेक्ट हो जाएगी शीट। अगेन ये पासवर्ड पूछ रहा है कि अगर आप भूल गए तो कुछ नहीं हो सकेगा, इसलिए अगेन कंफर्मेशन के लिए ये अब मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। अब मैं शीट को कभी भी एडिट कर नहीं सकता, मैं इसमें ये बोल रहा है कि यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ये शीट चेंज नहीं हो सकती। हालांकि अगर आप किसी और शीट में खोलेंगे, यहाँ पे आप इसमें आके कुछ भी कर सकते हैं आप, चेंज हाँ चेंज हो जाएगा, मगर इस शीट के अंदर ये कोई चीज़ चेंज नहीं होगी, तो ये प्रोटेक्ट हो गई ये शीट। अब इसको अनप्रोटेक्ट करने के लिए अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करें, सिंपली यहाँ पासवर्ड डालें, अनप्रोटेक्ट हो गई, अब यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम वर्कबुक की बात करें, तो वर्कबुक कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वर्कबुक में ये स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट होता है, यानी कितनी शीट्स हैं, कोई कितनी रॉ ऐड सबट्रैक्ट नहीं हो सकती। अब यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया 1234, अगेन 1234। अब यहाँ पे देखें, ये शीट रॉ ऐड नहीं हो सकती, रॉ इसमें यहाँ से डिलीट भी नहीं हो सकती, कोई रॉ डिलीट नहीं हो सकती, कोई रॉ ऐड नहीं हो सकती, तो कोई शीट सॉरी यहाँ पे देखें, अब मैं शीट को डिलीट करना चाह रहा हूँ, डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है वर्कबुक। अब मैं इसको अनप्रोटेक्ट करूँगा, पहले वही अगेन पासवर्ड मांगेगा मुझसे। अब यहाँ पर आगे मैं इसको शीट ऐड हो सकती है, देखिए शीट ऐड हो सकती, ये यहाँ पर मैं शीट डिलीट भी कर सकती, तो ये था प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक। अब अगर हम बात करेंगे हमें पासवर्ड कैसे लगाना है, इन फाइल में पासवर्ड किस तरह आता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे सबसे पहले, इसके दो तीन मेथड्स हैं, प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करेंगे, यहाँ इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, यहाँ आप पासवर्ड लगा दें। अब मैंने यहाँ पासवर्ड लगा दिया 1234, अब ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गई। पासवर्ड लगाना पड़ेगा ओपन करने के लिए वर्कबुक को, अब हमने सेव किया यहाँ पे। अब हम इसको जब भी खोलेंगे हमसे प्रोटेक्शन के लिए पासवर्ड मांगेगा, फिर डबल क्लिक करके देखा हमने, ये अब यहाँ पे हमसे पासवर्ड मांग रहा है, अब हमें इसको पासवर्ड देना है यहाँ पे, अब ये बोल रहा है नहीं हमें एडिट करना है, तो ये हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्ट फाइल होगी। अब हमें ये तो पासवर्ड प्रोटेक्ट हो गया, अब हमें इसको पासवर्ड रिमूव करना है, तो हम कैसे करेंगे। अच्छा, मोस्टली एक्सेल में लोग ढूंढते हैं, परेशान होते हैं, रिमूव करने का फीचर कहीं भी नहीं मिलता, कहीं भी रिमूव करने का फीचर नहीं है, आप कहीं भी देख सकते हैं इसमें, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम वापस इस पर आएंगे इनक्रिप्ट विद द पासवर्ड, और यहाँ पे ये पासवर्ड आप रिमूव कर देंगे। अब ये फाइल जो है विदाउट एनी पासवर्ड आराम से खुल सकेगी, अब इसको खोलेंगे यहाँ पे दोबारा, अब ये विदाउट एनी पासवर्ड सिंपली खुल गई। अच्छा, अब इसका एक तरीका और है कि हम रीड ओनली फाइल कैसे बनाएं, हमारे पास यहाँ पे अगर रीड ओनली फाइल बनाना चाह रहे हैं हम, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे इस पर फाइल में जाके इसको, ये शीट हमारे पास सेव है तो इसलिए मैं सेव एस कर रहा हूँ, आप लोग इसको सेव करेंगे जब ऑप्शन देख सकते हैं, सेव एस पे क्लिक करा और डाउनलोड्स में सेव है मेरे पास यहाँ पे, इसको मैं प्रोटेक्शन शीट 1 का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, जब भी सेव कर रहे होंगे तो ऐसे।
अब यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन है, यहाँ जर्नल ऑप्शन में जाएंगे, टूल्स में जाके जर्नल के ऑप्शन में यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई पूछ रहा है। अच्छा मॉडिफाई करने पे अगर आप पासवर्ड लगा देंगे, 1 2 3 4 पासवर्ड लगा दी मैंने ये सेव हो गया। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे इस शीट को, अगर मैं प्रोडक्शन शीट पे खोलूंगा यहाँ पे, अब ये बोल रहा है या तो आप रीड ओनली खोल लें जिसमें एडिट नहीं हो सकेगा, या आप पासवर्ड डाल दें। तो ये रीड ओनली फाइल हमारे पास यहाँ रीड हो गई, ये इस तरह की रीड हो गई। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है, या इसी शीट में आप रीड ओनली भी चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि इसमें पासवर्ड भी लगा रहे, ये मतलब विजिबल भी ना हो किसी को, तो आप जाएंगे यहाँ पे वैसे ही सेव एस डाउनलोड्स प्रोडक्शन शीट 1 ही नाम है, और टूल्स में जाके आप इसका ओपन करने पे भी पासवर्ड लगा देंगे 1 2 3 1 2 3, ओपन करने भी पासवर्ड मांगेगा और मॉडिफाई करने पे भी। अब ये पासवर्ड में कोई शर्त नहीं, किसी भी सिम का आप लोग पासवर्ड लगा सकते हैं। अब ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गई है। अब अगर आप शीट को खोलेंगे तो ये खुलते वक्त ही आपसे पासवर्ड मांग लेगा, ये विजिबल ही नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारे पास पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अब ये बोलना है या तो रीड ओनली खोल लें या एडिट करना है तो पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। अच्छा ये दोनों पासवर्ड हम अलग अलग भी रख सकते थे और सेम भी रख सकते हैं। तो ये थी एक वीडियो जिसमें हमने ये सारी टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं शीट को, वर्कबुक को, पासवर्ड कैसे लगा रहे हैं, और रीड ओनली फाइल कैसे कर रहे हैं, और पासवर्ड रिमूव किस तरह से करना है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।